Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss about the relativity, which is the first unit of the first paper in the BSc final year course. So let's talk about the relativity. So this is a BSc final year class and paper first, that is a relativity and a statistical physics. So first of all, I discuss the relativity. So the relativity is the first unit, and the other unit, second to fourth, is the statistical physics. तो सबसे पहले हम discuss करेंगे relativity को. तो unit first के syllabus के बारे में कुछ बता देते हैं, उसके बाद उसे हम डिस्कस करेंगे. इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, and then we talk about the Galilean transformation, Galilean transformation and their conservation laws, conservation laws, and then Michelson-Morley experiment, Morley experiment, and then we talk about the Lorentz transformation, Lorentz transformation, simply we can write as a T, so generally used as LT. And the Galilean transformation in short form you can use as a GT, but not in the final year. आगे की क्लासों में हम यूज़ करते हैं एम एस सी लेवल में जी टी एंड एल टी, बट अभी आप पूरा ही यूज़ करिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन. तो बड़ा ज़रूरी है कि वन बाई वन एक तरीके से पढ़ा जाए. फिर लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, विच इज़ गिवन बाय द आइंस्टीन. सो दिस वाज आई डिस्कस लेटर. सो अदर टर्म्स ऑल्सो इन दिस यूनिट, टाइम डायरेक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, इसी तरीके से वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, सर्च फॉर ईथर, ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट यूनिट में आती हैं. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें पढ़ना है. तो पहले हम जानेंगे कि कोई भी फ्रेम होना चाहिए जिसके रेफरेंस में हम किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट को लोकेट कर रहे हैं. देन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम सुना होगा, फर्स्ट ईयर में भी था ये थोड़ा सा, और गैलीलियन भी फर्स्ट ईयर में था कुछ. तो जब भी कभी, फिर उसके बाद हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और फिर उनके कंजर्वेशन लॉस के बारे में पढ़ेंगे. फिर एक इशू आया जहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हुआ, तो वो इशू ये था, तो उस इशू जो था वो ये था कि
कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो किसी मीडियम में जाने पर बदलती है कि नहीं बदलती है। जैसे हम जानते हैं कि जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो मीडियम के अनुसार चेंज होती है। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है करीब 330 मीटर पर सेकेंड, ये हर मीडियम में फिक्स नहीं होता। लोगों ने सोचा कि जब साउंड की वेलोसिटी मीडियम के साथ चेंज होती है तो उसी तरीके से लाइट, जो लाइट है वो भी एक वेव है। हम जानते हैं कि लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो अगर ये वेव है तो इसको भी साउंड वेव की तरह बिहेवियर करना चाहिए। और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जो सी की वेलोसिटी, जो लाइट की वेलोसिटी है सी, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसे मीडियम के अनुसार चेंज होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माइकलसन मोलने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पता चला कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। सो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आया, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से रहा कि वो सभी वेलोसिटी के लिए, जैसे जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन था वो ऐसे पार्टिकल्स के लिए था जिनकी वेलोसिटी सी की तरफ टेंड कर रही हो, और जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था वो भी बहुत कम जहाँ पे हो वेलोसिटी सी से वहाँ के लिए था। तो ये थ्योरी जो लॉरेंज की थी वो दोनों पे एप्लीकेबल रही, भी टेंडिंग टू सी के लिए भी और भी लेस देन सी के लिए भी। यानी वो क्लासिकल और क्वांटम, या यूँ कहें रिलेटिविटी, दोनों ही फिजिक्स के लिए एप्लीकेबल रहा लॉरेंज। और फिर उन्हीं के बेसिस पे हम आगे पढ़ते हैं टाइम डायलेशन लॉरेंज को यूज़ करके, लेंथ कंट्रैक्शन, एंड देन अ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पास्टुलेट्स हैं और उनके ये सारे ऑब्जर्वेशंस थे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हमें ये लगे कि टाइम कहीं से मेज़रमेंट करने पे कुछ और आता है और कहीं से टाइम मेज़रमेंट करने पे कुछ और आता है। जैसे दो लोग हों, कोई एक यहाँ पे हो अर्थ पे हो और दूसरा कोई किसी स्पेस में हो, तो दोनों लोग किसी चीज़, सेम चीज़ का सपोज़ करो कोई टाइम देख रहा है, तो अगर दो व्यक्ति हैं, एक अर्थ पे है और एक स्पेस में है, तो वो दोनों अलग अलग टाइम मेज़र करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सेम घड़ी है लेकिन मेज़रमेंट करने का पोजीशन चेंज हो रहा है, और पोजीशन चेंज होने की वजह से दोनों व्यक्ति को टाइम अलग अलग समझ में आता है। दूसरी चीज़ है कि इसमें इंटरेस्टिंग है लेंथ कंट्रैक्शन। लेंथ कंट्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का लेंथ कुछ है अर्थ के हिसाब से, अगर कोई पृथ्वी पर खड़ा हुआ व्यक्ति इसे कहेगा कि वो किसी की इसकी लेंथ कुछ है, तो दूसरा कोई व्यक्ति दूसरे स्पेस से उसी चीज़ को देखे तो वो कहे कि नहीं, इसका लेंथ इतना नहीं है, इतना है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए ये रिलेटिविटी एग्जिस्ट करती है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं रिलेटिविटी, वैसे हम डिस्कस करेंगे अभी, तो वो रिलेटिव चीज़ों से स्टार्ट होती हैं। रिलेटिव तो जहाँ कहीं भी रिलेशन टाइप का शब्द आएगा, जैसे एक फ्रेम और फिर दूसरा फ्रेम। और फ्रेम हम किसे बोलेंगे, तो फ्रेम होता है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव से ही, रिलेटिव मोशन। तो मोशन से पहले रेस्ट और मोशन, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेस्ट, जब हम कुछ भी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, रेस्ट और मोशन। ना कुछ करेंगे, चुपचाप कहीं भी पड़े रहेंगे, तो एक चीज़ तो होगी, कम से कम वो बॉडी रेस्ट में होगी, या अगर वो कुछ कर रही होगी तो वो मोशन में होगी। तो हम रेस्ट, जनरल में जो रेस्ट बोलते हैं हम ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई भी बॉडी का टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो रेस्ट में है। और अगर किसी भी बॉडी का टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। रिलेटिविटी में हम इसको ऐसे बोलते हैं कि किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हम सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ लें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो किसी भी बॉडी को ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए, अगर सपोज करिए कि हमें बताना है कि ये जो पॉइंट पी है, सपोज़ करिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो अगर हमें इसका लोकेशन बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, हमारे पास क्या होना चाहिए,
हमारे पास कोई एक ओरिजिन होना चाहिए और हम फिर वहाँ से एक्सिस बना सकते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे लेते हैं एक्स वाई जेड, सपोज दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन सपोज करिए ये पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें इसको स्पेसिफाई करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक्स वाई एंड जेड, ये एक्स और वाई दोनों इसी प्लेन में होते हैं, जैसा बोर्ड है बोर्ड के प्लेन में, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड वाई, और जो जेड को मानते हैं वो परपेंडिकुलर है आउटसाइड की तरफ। तो अगर हमें पी की पोजीशन चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए कुछ इस तरह से, ये हो गया एक्स, फिर इधर से हमें वाई के कोऑर्डिनेट चाहिए एंड देन जेड, जेड के कोऑर्डिनेट चाहिए, फिर उससे हमें मिलेगा कि ये पॉइंट कहाँ पे है। दूसरी चीज़ एक और है, तो एक हमें क्या चाहिए, एक स्केल चाहिए, किसका स्केल चाहिए, लेंथ का स्केल चाहिए, लेंथ स्केल। तो अगर हमें मेज़र करना है कि ये कहाँ पे है तो हमें क्या चाहिए, पहले तो एक लेंथ स्केल चाहिए कि हम ये सारी लेंथ को मेज़र कर पाएँ। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, टाइम स्केल चाहिए, टाइम स्केल चाहिए कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ होगा, और अगर ये मोशन में हुआ, अगर टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तब तो ये रेस्ट में माना जाएगा। अगर टाइम के साथ ये हम ओरिजिन है जहाँ पे हम एज ए ऑब्जर्वर खड़े हैं, तो अगर हम ओरिजिन पे हैं ये फिक्स होता है, फिक्स मान के चलेंगे, ऐसे हर कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, लेकिन यहाँ हम ओरिजिन को हमेशा फिक्स मानते हैं। तो अगर पी का टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि जो पी है वो रेस्ट में है, लेकिन अगर टाइम के साथ चेंज होता है तो वो टाइम हम कैसे मेज़र करेंगे, टाइम स्केल हमारे पास होना चाहिए। तो सपोज़ करिए कि ये अगले टाइम में कहीं और हो, यहाँ पे पी डैश, और ये अगर ये मोशन में है, सपोज़ करिए पी डैश, तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ और होंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, क्योंकि इसके हिसाब से एक्स वाई जेड है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कुछ और होंगे ऐसे, दिस इज़ एक्स डैश, दिस इज़ वाई डैश एंड दिस इज़ जेड डैश, सो पी और पी डैश। तो अब कहेंगे कि जो पी है वो मोशन में है, क्लियर। तो दो स्केल हमें चाहिए, लेंथ स्केल और टाइम स्केल। तो इस हिसाब से एक तरह से एक्स वाई जेड के साथ एक और नया चाहिए जिसे हम बोलते हैं टाइम स्केल। तो अब ये कंप्लीट होके क्या बन गया, इसको हम जनरली बोलते हैं स्पेस, और टी क्या है, टी है टाइम। तो एक नया डायमेंशन जुड़ता है रिलेटिविटी में आने के बाद, स्पेस एंड टाइम। सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं 4D, फोर डायमेंशनल स्पेस, 4D स्पेस, राइट। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, 3D, एक्स वाई जेड। सपोज करिए केवल टू कोऑर्डिनेट अगर हो, एक्स और वाई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल स्पेस। अगर इसके साथ जेड भी जुड़ा हो तो 3D स्पेस, और अगर टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रहा हो तो एक नया आता है स्पेस, 4D स्पेस, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। तो जो ये सारा अरेंजमेंट हम कर रहे हैं किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए, इसे ही हम बोलते हैं क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो दिस सिस्टम इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इसी को हिंदी में बोलते हैं निर्देश तंत्र, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो एक तरह से निर्देशित कर रहा है कि ये कहाँ पे है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पोलर में भी हो सकता है, जैसे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है जहाँ हमने एक्स वाई जेड यूज कर रखा है, पोलर में भी ये हो सकता है। जैसे अगर हम इसको डिनोट करें कि पी यहाँ पे है और ये आर है और ये एंगल थीटा है विथ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई। सो जो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर एंड थीटा। सो ये एक पोलर सिस्टम है, लेकिन ये भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का निर्माण कर रहा है, तो हम इसे भी बोल सकते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट बॉडी या ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए
जिस भी सिस्टम का हम यूज़ करते हैं उस सिस्टम को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके का होता है, तो पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल जैसा कि नाम से दिख रहा है जड़त्व, तो यहाँ पे इनर्शिया न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे, जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था वो इनर्शिया के लिए ही था, जो फर्स्ट लॉ था वो लॉ ऑफ इनर्शिया था। तो इनर्शिया के अनुसार ये होता है कि अगर कोई पॉइंट बॉडी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बनी रहे जब तक कि हम बाहर से कोई फोर्स न लगाएं। मीन्स ये कि अगर हम फोर्स को ज़ीरो करते हैं तो उसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, उसको मूव नहीं करना चाहिए। दैट इज़ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस इज़ द फेमस रिलेशन एफ इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे जो ए का मान है वो हमेशा ज़ीरो होना चाहिए, तो इसीलिए हम कभी कभी इसको या हमेशा नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम भी कहते हैं। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन्स लॉ को होल्ड करता हो या न्यूटन्स लॉ वैलिड हो उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, या ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नॉन एक्सेलरेटिंग हो वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। जनरली हम अर्थ को इनर्शियल में मानते हैं क्योंकि किसी चीज़ को हम फिक्स करेंगे तभी हम अगली चीज़ के अगली ऑब्जेक्ट को कायदे से बता सकते हैं कि वो कहाँ पे है। अगर दोनों ही मूव करेंगे, जैसे सपोज़ करिए कि अगर हमें पी का लोकेशन बताना है कि पी कहाँ पे है, तो पी का लोकेशन बताने के लिए ज़रूरी है कि हम कहीं एक फिक्स्ड ओरिजिन माने, जो जनरल हम अर्थ को मानते हैं, या हम जहाँ भी खड़े हो जाए वही हमारा ओरिजिन होता है, वही हम उसी को हम फिक्स मान लेते हैं। अगर हम भी मूव करें और साथ साथ ऑब्जेक्ट भी मूव करें तो बताना मुश्किल होगा इसके रिस्पेक्ट में इसका, तो यहीं से रिलेटिविटी शुरू होती है। अगर P भी मूव कर रहा है और O भी मूव कर रहा है तो अगर दोनों मूव करेंगे तो फिर इनके रिलेटिव मोशन आ जाएंगे, तो वहाँ से रिलेटिविटी की शुरुआत होती है। रिलेटिविटी यहीं से शुरू होती है कि ऑब्जेक्ट भी मूव करे और जिसको हम देख रहे हैं जो ऑब्जर्वर है वो भी मूव करे और ऑब्जेक्ट भी मूव करे। तो जहाँ दो बॉडी या दो पर्सन मूव करेंगे एक साथ तो वहाँ पे रिलेटिविटी आती है। उसी तरीके से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल नाम से लग रहा है ऐसा कुछ जो इनर्शियल का पालन ना करे, यानी ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन्स लॉ को वैलिड, न्यूटन्स लॉ को ना मानता हो, जहाँ न्यूटन्स लॉ इनवैलिड हो, तो डज नॉट होल्ड न्यूटन्स लॉ। और ऐसा कोई फ्रेम अगर ये नॉन एक्सेलरेटेड था, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है वो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, वो होगा एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? तो सच अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके एग्जांपल में हम अर्थ को लेते हैं, यहाँ भी अर्थ को ले सकते हैं, बाकी ज़्यादातर चीज़ें नॉन इनर्शियल में ही आती हैं। अर्थ भी नॉन इनर्शियल का ही एग्जांपल होता है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली इनर्शियल मान के चलते हैं कि अगर हम कहीं एक तरफ को फिक्स नहीं करेंगे तो अगले पॉइंट को या ऑब्जेक्ट को हम सही से मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि हमारा जो ओरिजिन है वो फिक्स हो, तभी हम इसके बारे में क्लियर बता सकते हैं। तो ये था इनर्शियल और नॉन इनर्शियल।
इसके बाद थोड़ा सा हम रिलेटिविटी डिस्कस करेंगे। रिलेटिविटी आप देखे होंगे जनरली कि जो चीज़ कभी स्थिर दिखाई देती है वही चीज़ दूसरे के रिस्पेक्ट में चलते हुए दिखाई देती है। जैसे अगर कभी रोड पे खड़े हों और गाड़ी चल रही हो तो हमें लगता है कि हम रेस्ट में हैं, और जो बस है, जो भी गाड़ी चल रही है या बस चल रही है या इवन ट्रेन में सफ़र कर रहे हों तो हमें लगता है कि ट्रेन चल रही है और हम रेस्ट में हैं। वही अगर हम तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम कहीं पर खड़े हैं तो हमारे साथ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जुड़ा होता है और एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन के साथ जुड़ा होता है, तो हमें यह लगता है कि मेरे रेस्पेक्ट में ट्रेन चल रही है। उसी तरीके से जो ट्रेन में बैठा पर्सन होता है उसे क्या लगता है, उसे लगता है कि जो बाहर वाला है, जो बाहर वाला पर्सन खड़ा है या फिर जो मकान खड़ा है वो चल रहा है। तो पर्सन जो ट्रेन में था उसके हिसाब से ये है कि वो रेस्ट में है और बाहर की चीज़ें चल रही हैं। तो ये चीज़ें रिलेटिव में आती हैं। जैसे अगर ट्रेन में बैठे हैं और एकाएक ब्रेक लग जाए तो क्या होता है, हमारा जो शरीर है या कभी कभी हमारी पूरी बॉडी ही आगे चली जाती है। अक्सर ये होता है जो न्यूटन्स लॉ कहता है, न्यूटन्स लॉ इसके हिसाब से जब कभी हम बल लगाते हैं, जैसे अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी में कोई मोशन नहीं आएगा, दैट इज़ एक्सेलरेशन इक्वल टू ज़ीरो। तो बिना फोर्स लगाए एक्सेलरेशन नहीं होगा, और एक्सेलरेशन में ज़ीरो का मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तभी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, दिस इज एक्सेलरेशन। सो बिना फोर्स लगाए न्यूटन के अनुसार अगर हम फोर्स नहीं लगाते हैं तो एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगा। रीज़न ये है कि उसमें कोई भी स्पीड में चेंज नहीं आएगा, वो यूनिफॉर्मली मोशन करता रहेगा। लेकिन ऐसा होता है, हम ये महसूस करते हैं कहीं भी कि अगर एकाएक ब्रेक लगे गाड़ी में तो हम आगे की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, वहाँ न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। वहाँ पे ये नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस आता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि वहाँ पे बिना बल लगाए हुए हमें कोई ढकेलता भी नहीं फिर भी हम आगे की तरफ जाते हैं। यानी एक ऐसा फोर्स लगता है जो लगता नहीं है फिर भी लगता है, इसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स, सूडो, आई थिंक स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक लग रही है, इसको चेक कर लेंगे। सूडो फोर्स तो हिंदी में बोलते हैं इसको छद्म बल, छद्म, हिंदी में इसे हम छद्म बल बोलते हैं। ये ऐसा फोर्स होता है जो काल्पनिक टाइप का होता है, लगता है कि लग नहीं रहा है लेकिन फिर भी ये लग रहा होता है। तो इसका उपयोग हम काफ़ी जगह करते हैं एग्जांपल में, या कहीं भी अगर हम खड़े हों, जैसे कभी दो ट्रेन एक साथ पास करती है तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमारी वाली चल रही है या बगल वाली ट्रेन चल रही है। इवन अगर दोनों साइड ट्रेन खड़ी हो तो हम बता नहीं सकते कि बीच वाली चल रही है या पीछे वाली चल रही है या बगल वाली चल रही है, हम नहीं बता सकते बिल्कुल भी। ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं। जैसे अगर बॉल का केस ले लीजिए, अगर हम क्रिकेट खेलते हों या वॉलीबॉल खेलते हों या सारा चीज़, तो अगर वो स्लोली आके हमारे हाथ से टकराती है तो हमें उतना तेज़ चोट नहीं आता जितना कि वो स्पीड में आकर टकराती है। तो सेम बॉल है, उसका मास भी चेंज नहीं होता है, जो बॉल है उसका मास सेम है, बॉल का मास सेम है, उसके बावजूद हमें ज़्यादा फील होता है कि हमें कुछ बड़ा सा कुछ आकर टकरा गया जिसकी वजह से हमें चोट लग रहा है। तो वो क्यों होता है, क्यों, तो वो इसलिए होता है कि जो मूविंग बॉडी है या मूविंग बॉल है उसके साथ एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी टर्म जुड़ा है, उस वेलोसिटी टर्म की वजह से उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। और वो एक्स्ट्रा एनर्जी किस फॉर्म में होती है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और ये एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करती है, जो बॉल है उसके मास को इंक्रीज़ कर देती है। ऐसा सामान्य में सोचना काल्पनिक जैसा लगता है कि किसी बॉल का मास या किसी बॉडी का मास वेलोसिटी के साथ चेंज होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किसी भी, जबकि न्यूटन्स के अनुसार क्या था, हमें आज केवल ओवरव्यू दे रहे हैं, जो हमें रिलेटिविटी का जो बेस है उसके हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ बताने की कोशिश हो रही है। तो न्यूटन्स लॉ के अनुसार जो मास था, मास
वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी था। हमने पढ़ा था कि मास कहीं भी चेंज नहीं होता है। न्यूटन ने बताया था कि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, हमारा जी बदलता है, जी हमारा स्पेस चेंज होने पे जी का मान चेंज हो जाता है, लेकिन मास एक फंडामेंटल है। लेकिन रिलेटिविटी में ये पता चला कि मास फंडामेंटल नहीं है, बल्कि ये वेरी करता है। मास आर वेरी विथ वेलोसिटी, तो दिस इज वेरी विथ वेलोसिटी। बट ये उसी केस में होता है जहाँ पर वेलोसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ये वहाँ होता है जहाँ वेलोसिटी टेंड करती हैं सी के आसपास। तो जहाँ वेलोसिटी बहुत कम होती हैं वहाँ पे तो ये फार्मूला ठीक है, मास एक फंडामेंटल है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं भी वेलोसिटी काफ़ी तेज़ होती है, जो कंपैरिजन टू सी हो, तो वहाँ पे ये फंडा गायब हो जाता है, मास वहाँ फंडामेंटल नहीं होता, बल्कि मास वेरी करता है वेलोसिटी के साथ। तो जहाँ वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है और इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए कि वो सी के आसपास पहुँच जाए, तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई वहाँ से। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो जो एटॉमिक स्केल वाले पार्टिकल थे उनकी वेलोसिटी सी के आसपास थी। जो इलेक्ट्रॉन थे या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सारे आए, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी थी वो लगभग सी के आसपास थी, तो उनके लिए ये शुरुआत हुआ एक तरह से। तो यहाँ पे फिर हम मास के लिए एक फार्मूला डिराइव करेंगे, यहाँ 1 - v² / c², जिसका जिक्र थोड़ा सा सेकेंड ईयर में हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसका बकायदा प्रूफ होगा और हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ मास बड़ा होता है m नॉट से। यहाँ जो m नॉट है वो रेस्ट मास है और जो m है वो मूविंग मास है, एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या बॉडी। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हम जानते हैं कि v का मान c से हमेशा छोटा रहता है, ये भी प्रूफ होगा इस रिलेटिविटी के दौरान, ये भी प्रूफ करके दिखाया जाएगा कि जो v होता है यानी किसी भी मटेरियल बॉडी का जो वेलोसिटी होता है वो कभी भी c से ज़्यादा नहीं हो सकता, इवन बराबर भी नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस होंगी, हम फिर से उसी बेसिक्स पर आ रहे हैं कि रिलेटिविटी को हम क्यों पढ़ें, इसकी ज़रूरत क्या है या कैसे हमें पढ़ना पड़ा। तो शुरू में हमने पढ़ा था क्लासिकल मैकेनिक्स जो हमारी स्टार्टिंग है, और उसी को हम बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो यहाँ पे जो बॉडीज़ होती थी वो काफ़ी हैवी होती थी, जो मास होता था वो ग्राम में होते थे या फिर किलोग्राम या काफ़ी हैवी। तो जो मासेस थे तो ये एक तरह से यूज़ होती है कहाँ पे, जहाँ हैवी मासेस हो, हैवी मास के लिए। लेकिन जिस जैसे ही इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई करीब 1896 - 97, तो 96 या 97 के आसपास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई भाई जे जे थॉमसन। तब ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि क्या हमारा न्यूटन्स का जो बेसिक लॉ है ma या फिर हमारा F=mg, क्या ये उस स्केल के लिए लग सकता है जहाँ इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम। तो इतने छोटे से मास के लिए 10⁻³⁻, तो बिलीव कर सकते हैं कि ये कितना छोटा है, 10⁻³⁻ मतलब ये है कि 9.1 में आप 10⁻³⁻ से डिवाइड करें, उतना छोटा ये मास है। तो यहाँ पे अगर हम किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये सारी फार्मूले इनवैलिड हो जाते हैं। तो इसके लिए काफ़ी फिर समस्या हुआ इस क्लासिकल के साथ कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे डील करें। तो फिर एक नई थ्योरी आई, उस नई थ्योरी में डेवलप करने में काफ़ी लोगों का हाथ रहा, जैसे प्लैंक हो गए,
प्लैंक, आइंस्टीन, बोर और उनके साथ साथ दे ब्रॉगली, ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो वहाँ से जब हमारे वहाँ से शुरू होता है क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है तो वहाँ से आता है क्वांटम मैकेनिक्स। और फिर क्या होता है, जब पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में चल जाएगा कि v अगर लेस देन c है या फिर v लेस देन c और या एक तरह से एटॉमिक स्केल के लिए जो एटॉमिक मास पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दैट इज़ अ एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तो इनकी स्टडी करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, ये सारी चीज़ें, फिर बाद में ड्यूअलिटी वगैरह, ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं रिलेटिविटी कहाँ से आती है। तो जब हमारे इसी पार्टिकल्स की वेलोसिटी या बॉडी की वेलोसिटी जब टेंड कर जाती है सी की तरफ, जब वेलोसिटी सी की तरफ टेंड करती है तो एक नई फिजिक्स की शुरुआत होती है और उसी का नाम है रिलेटिविटी। सो फॉर दिस रीज़न रिलेटिविटी कम्स इन जनरल, ऑल्सो रिलेटिव कम्स व्हेनेवर देयर इज़ टू बॉडीज आर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बट जनरली जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो आइंस्टीन ने दिया था वो इस रेंज के लिए है जहाँ पे वेलोसिटी सी की तरफ टेंड करती है। तो रिलेटिविटी में फिर हम आगे देखेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो थोड़ा सा हम इसे बताएंगे, उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो में होगा कायदे से। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था कुछ तीन पार्ट के लिए। पहला था पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा उन्होंने बताया था वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा है एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक किसी वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम अगर किसी चीज़ को व्यक्त करें तो वहाँ पे उसको हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ये है, सपोज x, दिस इज़ y एंड दिस इज़ z, और ऑब्जर्वर हमारा O है। और कोई अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर है जिसको हम मानते हैं कुछ और, सपोज करिए ये ऑब्जर्वर, नया ऑब्जर्वर O डैश, एंड दिस इज़ y डैश, दिस इज जेड डैश। तो ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एक्स वाई जेड, तो एक हमारा एक्स वाई जेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड। तो अगर हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में व्यक्त करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे इससे इस फॉर्म में, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें अगर हमें किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट, सपोज करो पी को हमें लोकेट करना है कि वो पी कहाँ पे है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से जो इसका कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश, और सेम ऑब्जेक्ट पी का ऑब्जर्वर ओ के हिसाब से ये जो कोऑर्डिनेट है वो किसके हिसाब से है, ओ डैश के हिसाब से,
और अगर इसी भी पॉइंट इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का अगर हम इस ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर लोकेट करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, एक्स वाई एंड जेड। सो एक तरह से दिस इज एक्स, ये एक्स है, ये हम कह सकते हैं वाई है ऐसे, या उसी को हम यहाँ से दिखा सकते हैं एक्स डैश ऐसा, और ये वाला वाई डैश। क्लियर? एंड देन वी कैन फाइंड एज अ दिस इज आर डैश, आर डैश एंड दिस इज आर। तो ये ऑब्जर्वर है यहाँ भी एक ऑब्जर्वर है और सेम पॉइंट बॉडी ऑब्जेक्ट पी पर है, तो इसी पी को ये ऑब्जर्वर भी देख रहा है और इसी पी को ये वाला ऑब्जर्वर भी देख रहा है, लेकिन दोनों का पोजीशन चेंज है। एक का पोजीशन पोजीशन का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और दूसरे के पोजीशन का कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है। तो अगर हम इसको पोजीशन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर हम पोजीशन के रूप में इसको व्यक्त करें तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे, वेक्टर आर इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और उसी तरीके से अगर हम ऑब्जर्वर ओ डैश के हिसाब से इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे प्लस जेड डैश के। तो हम देख सकते हैं कि सेम पॉइंट ऑब्जेक्ट है लेकिन इन दोनों का जो पोजीशन है वो चेंज है, ये है एक ऑब्जर्वर के हिसाब से और ये है दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से। तो हम कह सकते हैं कि सेम पॉइंट ऑब्जेक्ट को दो जगह से देख रहे हैं या इन डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। सपोज़ करो ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये एस डैश है, तो यहाँ पे चेंज आ रहा है। फिर अगर हम तो ये क्या है, ये एक तरह से पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन है, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एक तरह से एस फ्रेम है और दूसरा वाला हमने सपोज रख कर रखा है एस प्राइम फोर, एस प्राइम या एस डैश फ्रेम। सो देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एस फ्रेम टू एस डैश फ्रेम। तो दिस शोइंग द पोजिशन फ्रॉम एस फ्रेम एंड दिस इज़ अ एस डैश फ्रेम। तो अगर हम इनके बीच कोई रिलेशन बना सकें तो हम कहेंगे कि हम ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं इस फ्रेम को इस फ्रेम में या इस फ्रेम को इस फ्रेम में। तो अगर हम कोई रिलेशन बता पाएँ आर डैश या आर के बीच, या कोई रिलेशन बता पाएँ एक्स डैश और एक्स के बीच, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर हमें कोई चीज़ फाइंड करनी होती है जनरल में तो हम क्या करते हैं, अगर हम वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री लेते हैं, यहाँ पर क्या है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स को हम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन वाई इस पर डिपेंडेंट है। तो उसी तरीके से यहाँ अगर हमें कोई एक राशि पता हो तो हम दूसरा निकालेंगे तभी जब हमें इनके बीच कोई रिलेशन पता हो। तो अगर उनके बीच कोई ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है तभी हम बता सकते हैं या एक ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यही बताता है कि हम किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं और किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, पोजीशन का कर सकते हैं, वेलोसिटी का कर सकते हैं और एक्सेलरेशन का कर सकते हैं। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हमें कोई ना कोई रिलेशन चाहिए उनके बीच में, तो ये रिलेशन एक्स माइनस वी टी एक्स प्लस, ठीक है एक्स माइनस वी टी इस तरह से कुछ आता है जो हम बाद में देखेंगे। तो ज़रूरी है कि हम आपस में कोई एक रिलेशन बताएं, फिर हम बताएं कि y डैश और y में क्या रिलेशन है, z डैश और z में क्या रिलेशन है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, पोजीशन में ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इनका अगर हम टाइम डेरिवेटिव करें, अगर हम p की वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, अगर p की वेलोसिटी हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो पोजीशन वेक्टर r है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेंगे। तो ऑन डेरिवेटिंग d by dt of r and this will give a velocity at p, suppose this is the velocity at p with respect to the observer
O, so this will give T by dt, and R, this is R, so xi plus yj plus zk, so this will give dx by dt I dy by dt j and dz by dt k. So ये क्या है, dx by dt means differentiation with respect to t, किसका, x coordinate का. तो अगर हम x coordinate का differentiation करते हैं with respect to t, तो ये एक नया term देगा vxi. Suppose this is the velocity along the x axis and this is vy and j and this is vz and k. So this gives the velocity at p according to the observer O. Similarly, we can find as a velocity of p with respect to frame O dash. So we differentiate this term. So this gives a v dash r dash upon dt dash. So d upon dt dash and here x dash I y dash j. प्लस जेड डैश के. तो उसी तरीके से हम इसको सपोज कर सकते हैं कि दिस इज वी एक्स डैश प्लस वी वाई डैश जे, यहाँ आई होगा, फिर यहाँ वी जेड और के. तो ये एक वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि हम इनके बीच, पहले तो हम ये वेलोसिटी अभी बताए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपस में रिलेशन करेंगे तो आएगा. तो ये एक तरह से वेलोसिटी हुआ ऑब्जर्वर ओ के हिसाब से, और ये वेलोसिटी ऑब्जर्वर ओ डैश के हिसाब से, दिस इज ऑब्जर्वर ओ डैश. तो अब हम इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे कि हाउ दिस वेलोसिटी कैन इंटरचेंज. तो वी प्राइम टू वी, तो दिस विल गिव द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज, and then again we differentiate this velocity with respect to t, this will give the acceleration transformation. So this is a very interesting, so you must watch the next video. Then this is all about for this video. Thanks for watching video. Thank you.